आज की सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज के मनन के लिए हम धर्मशास्त्र बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे, जो इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों की पत्री 6:7। वचन के अनुसार आपको विषय देना चाहूंगा। वचन बीज है। बोने वाले का दृष्टांत समझाते हुए प्रभु यीशु ने 11वें वचन में इस बात पर जोर दिया कि बोने वाले ने जो बीज बोया वह परमेश्वर का वचन था। वह हमें बताता है कि वचन बीज है और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। यदि आप अपने जीवन और भविष्य में सही शब्दों को बोएंगे तो वे सही फसल उत्पन्न करेंगे। हमेशा सही शब्दों के साथ अपने जीवन को परमेश्वर की दिशा में उत्साहित करो। आप नकारात्मक रूप से बोलकर एक उत्कृष्ट जीवन की आशा नहीं कर सकते। नितिव चंद की पुस्तक 15:44 कहता है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दहकित होती है। यहाँ पर देखो कैसे सुलेमान शब्दों को बीज, पेड़ और फलों से जोड़ता है। एक सही जीव वह है जो जीवन, स्वास्थ्य, चंगाई, सत्य, निष्ठा और प्रचुरता को बोलती है। वह सही जीव जीवन का एक वृक्ष है। बहुत से लोग अनजाने में उनकी आत्मा को चोट पहुँचाते हैं उन शब्दों को बोलने के द्वारा जो सुसमाचार के प्रावधानों के मेल में नहीं है। यही कारण है कि आपको अपने आप को सही बोलने के लिए प्रशिक्षित अवश्य ही करना चाहिए। आशीषित वचनों को बोलो। आपका जीवन आपके वचनों की दिशा में जाता है। कुलुसियों की पत्री 4:6 कहता है, तुम्हारा वचन तुम्हारे शब्द सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। दूसरे शब्दों में बेकार, निष्क्रिय और निरुत्साहित करने वाले शब्दों को मत बोलो, क्योंकि आप अपने शब्दों का लेखा देंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12:36। आज आपका जीवन उन सभी शब्दों की फसल है जो आप बोल रहे थे। इसलिए सत्य, निष्ठा, शांति, स्वास्थ्य, संपदा और आनंद बोलो। आइए हम घोषणा करें, मेरा जीवन उत्कृष्ट है। मैं परमेश्वर की महिमा, अनुग्रह, बुद्धि और सत्य निष्ठा का प्रत्यक्षीकरण हूँ। मैं उसके प्रेम की एक गवाही हूँ, उसकी भलाई का प्रमाण। उसके नाम की महिमा के लिए मैं हमेशा विजय में चलता हूँ। धन्य है परमेश्वर। अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नितिव चंद की पुस्तक 18:21, याकूब की पत्री 3:2 और पत्रस की पहली पत्री 3:10। परमेश्वर पिता आप सभी को आज के प्रातः मनन के द्वारा आशीष देवे।